परसों का इसके हाले मेरा नाम रदवान, आप देख रहे टेकबॉक्स। ये है रियलमी 10 प्रो प्लस और कमाल के कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। और आप अपना कर लीजिए फ़ोन में ये सेटिंग तो आपका बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले होता क्या है, मान लीजिए कि हमें फ़ोन को ऑफ करना, और हम फ़ोन को ऐसे करेंगे तो बिना पासवर्ड का हमारा फ़ोन ऑफ नहीं होगा। अब ये सेटिंग कैसे करना है तो चलिए बताते हैं, क्योंकि ये सेटिंग कर लेंगे तो अगर आपका फ़ोन ऑन है, ठीक है ना, ऐसे नेट ऑन है, ठीक है, फ़ोन लॉक है, मान लीजिए ये वाला फ़ोन लॉक है और आप अपना क्या किए है कि नोटिफिकेशन खुले ही नहीं, तो फ़ोन अगर चोरी भी हो जाएगा तो आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन खुल नहीं रहा है और फ़ोन ऑफ हो नहीं रहा है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, फ़ोन ऑफ नहीं होगा आपके पासवर्ड के बिना। तो उसको कैसे सेटिंग करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सेटिंग में आपको जाना है, सेटिंग में इस तरह से आप चल गए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप चल गए यहाँ पर। उसके बाद आपको जाना है यहाँ सिस्टम सिक्योरिटी में। इस पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आ गए आप तो नीचे में आपको आना है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा होगा रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, ये वाला जो है ऑप्शन, इसको ऑन कर दीजिए। आपका जब भी आपको मतलब फोन को ऑफ करना है तो बिना पासवर्ड का ऑफ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं दूसरा टिप्स। मान लीजिए कि कोई ऐप आप खोले हुए हैं और उसी पे आपको फोकस रखना है, मतलब गेम पे ही फोकस रखना है और सारा फोकस उसी पे रहे, बाकी कोई ऐप नहीं चले, या फिर आप किसी को फोन दिए और आप चाह रहे हैं कि एक ही ऐप चले, दूसरा कोई ऐप नहीं चले, तो उसका भी है, आपको क्या करना है, आपको पिन कर देना है ऐप को। ऐप को पिन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वही काम करना है, आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है, यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी में आना है और नीचे में आपको दिखा होगा, देखिए नीचे आएंगे ना तो ऐप पिनिंग दिखेगा, ये वाला जो है, ये वाला ऑन करने के बाद यहाँ पर ऐप आ जाएगा बहुत सारे, जो ऐप को आप चूज़ करेंगे बस फ़ोन में वही ऐप चलेगा, बाकी दूसरा ऐप नहीं चलेगा। तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको नेविगेशन वगैरह ऑन करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला फीचर्स। अगला फीचर्स क्या होता है कि अक्सर हम लोग गेम खेलते हैं और कर्व डिस्प्ले की वजह से मिस टच हो जाता है या बैक हो जाता है, या फिर हम करते हैं तो नोटिफिकेशन खुल जाता है, तो ये सब चीज़ नहीं खुले, मिस टच परिवेशन जो बोलते हैं वो चीज़ हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको बंद करने के लिए देखिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है, यहाँ पर इनपुट इनपुट मेथड कीबोर्ड इनपुट मेथड इसमें जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखे रहेगा मिस टच प्रिवेशन, ये वाला जो है, देखिए एजेस वगैरह जो है गेम के टाइम पे मतलब डबल टैप करेंगे तो ही हटेगा वरना नहीं हटेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते। यहीं पर एक और सेटिंग है, मान लीजिए कि आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे, कुछ भी सुन रहे हैं और नीचे से ज़्यादा लाउड आ रहा है ऊपर से कम आ रहा है, तो आप आवाज़ को बैलेंस कर सकते। बैलेंस कैसे करना है, आपको यहाँ पर आना है एक्सेसिबिलिटी में, इसमें आने के बाद हियरिंग में आना है। हियरिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पर मोनो ऑडियो है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं ना तो इक्वल साउंड आएगा, एकदम इससे भी बराबर आएगा, इससे भी बराबर आएगा। अगर इसको ऑफ करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इससे कम आएगा। और यहाँ पर लेफ्ट राइट को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो किसी में अगर ज़्यादा आ रहा कम आ रहा तो उसको भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एक और फीचर्स आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसको हम यूज़ नहीं करते लेकिन बैकग्राउंड में चलते रहता, तो उसको बंद करना है। बंद कैसे करना है, सेटिंग में आना है इस तरह से, आने के बाद यहाँ पर आना है एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पर आना है प्रोसेस मैनेजर में। जिस जैसे ही आप प्रोसेस मैनेजर में आएंगे तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी ऐप डीप क्लीन यहाँ पर लिख रहा है ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप है और सिस्टम ऐप है, तो सिस्टम ऐप जो है आपका ये सब ऐप जो है चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, सिस्टम ऐप और थर्ड पार्टी ऐप में ये सब चल रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो फेसबुक को एंड कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं अगर नहीं चाह रहे हैं तो, या फिर अगर ट्विटर को जैसे हमको अगर फ्रीज करना है तो हम फ्रीज कर सकते हैं, या फिर रियलमी ये लिंक ऐप इसको फ्रीज करना है तो हम फ्रीज कर देंगे, देख लीजिए वो फ्रीज हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी ऐप है जो चल रहा है थर्ड पार्टी उसको फ्रीज कर देंगे तो आपका पावर कंजप्शन बहुत ही कम होगा और जिससे आपका बैटरी जो है अच्छा चलेगा, तो ये चीज़ आप करके देखिए आपका बैटरी बहुत ही जबरदस्त चलेगा। अब बात करते हैं एक जबरदस्त फीचर्स आया है कि ये वाला जो है देखिए इस तरह से रहता है पावर बटन, और इसको इसे दाब के रखते हैं तो मेरा क्या होता है असिस्टेंट ऑन हो जाता है, पावर मतलब पावर मेन्यू ओपन नहीं होता है। अगर फ़ोन चोरी हो गया और चोर चाहेगा कि भैया मेरा फ़ोन को ऑफ कर दे तो ये ऑफ़ नहीं होगा जब तक इसका बैटरी नहीं निकालेंगे और खुद से ऑफ़ नहीं होगा। तो ये सेटिंग कैसे करना, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लिखना है पावर, देखिए पावर लिखेंगे ना पावर बटन आ जाएगा ऊपर में ही,
बस यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए पावर बटन लिखा हुआ ना, इसमें आना है। यहाँ पर जो अगर आप पावर मेन्यू सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हम जैसे ही दाबेंगे तो देखिए पावर मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वॉइस असिस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पर जैसे ही दाबेंगे तो वॉइस असिस्टेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, ये ऐप है, कि अगर आपको पावर मेन्यू ही खोलना है तो ये और ये बटन को एक साथ दाबेंगे तो आपका पावर मेन्यू खुल जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, गॉट इट करते हैं। अगर ये चीज़ हो गया और हमको पावर मेन्यू खोलना है तो ये चीज़ को हम दाबेंगे तो पावर मेन्यू खुल जाएगा। तो हमें पता है, बाकी को पता नहीं है। तो इस तरह से करके रखिए, आपका फ़ोन सेफ रहेगा और चोरी हो गया तो मिल जाएगा। अगला फीचर बहुत ही कमाल का है। आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका कोई फ़ोन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और डायलर डाले रहे और एक और नया डायलर है जिसका वीडियो आपको कल मिल चुका होगा, तो ये फ़ोन डायलर है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि भैया हमारा गूगल डायलर तो हट जाए, उसको हटाएंगे कैसे, वो हट जाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो डायलर डिफ़ॉल्ट में रहे या फिर ये रहे। तो डिफ़ॉल्ट में सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, बाद आपको मैच मैंने ऐप में आना है, ऐप में आने के बाद डिफ़ॉल्ट ऐप में आना है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो देखिए फ़ोन दिख रहा ना, फ़ोन ऐप, इसमें क्लिक करेंगे तो जो वाला कॉन्टैक्ट वगैरह अगर आपको रखना है ये वाला या फिर और डायलर जिसमें आप करेंगे उसमें ही सेट हो जाएगा, कॉल वगैरह उसी से जाएगा और कॉल वगैरह उसी से आएगा, दूसरा वाला वर्क नहीं करेगा। तो इससे आप करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा इसी में एक और चीज़ है, यहीं पर इसी ऑटो लॉन्च, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि बैकग्राउंड में अगर आपका कोई ऐप चलते रहता है, आपका नेट लेते रहता है, बैटरी लेते रहता है, तो उसको आप बंद कर सकते हैं। जैसे मेरा फेसबुक ऑन रहता है, आईमो ऑन रहता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप और ये ट्विटर, हाँ व्हाट्सअप और टेलीग्राम, ये सब ऑन रहता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे BGMI वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब ऐप को मैंने क्लोज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा बैटरी बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। देखिए अभी दिन के 12 बजे और 80% चार्ज है मेरा, और फ़ोन को मैंने कल चार्ज किया था रात में। तो इस तरह का है। तो इस तरह से बैटरी बैकअप लेने के लिए ये सब जितने भी मैंने सेटिंग बताया है, ध्यान से वीडियो को देखिए और इस तरह से सेट कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए, और आपको कौन सा सेटिंग सबसे बेस्ट लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।